तो दोस्तों 13,000 के बजट में अब 5G फोन्स कॉमन हो चुके हैं, लेकिन 5G नेटवर्क के साथ कुछ ही फोन्स ऐसे हैं जो अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को देखते हुए आज के वीडियो में हम 13,000 के बजट रेंज में आने वाले टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको तगड़े लेवल के प्रोसेसर मिल जाएंगे, जिससे आप गेमिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं आपको फोन में लैग जैसे इशू देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही ये फोन कैमरे की क्वालिटी भी बेस्ट लेके आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो हमारी लिस्ट नंबर 5 पर है लावा स्टॉर्म 5G। दोस्तों लावा का ये फोन कैमरा पर्पस से काफी अच्छा है, साथ ही एक नॉन चाइनीज फोन भी है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है मीरेडेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर, जिसमें आप डे टू डे के कोई भी काम करते हैं आपका फोन स्मूथली वर्क करने वाला है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे एक सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और फ्रंट कैमरा ये फोन 16 मेगापिक्सल का लेके आता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिल जाता है। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग ये 33 वॉट की लेके आता है। इसके अलावा इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 और फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको अमेज़न और ऑफलाइन स्टोर पर 13,000 में मिल जाता है, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म पर ये फोन आपको थोड़ा महंगा मिलता है। सो नेक्स्ट फोन है नंबर 4 पर पोको M6 प्रो स्मार्टफोन। दोस्तों पोको के इस फोन को इस बजट में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये फोन बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे फीचर्स लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen2 प्रोसेसर, जो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस लेके आता है। इसके अलावा इस फोन में आपको अराउंड 4,30,000 का इंट्रोड्यूस स्कोर मिल जाता है, जो कि इस बजट में आने वाले फोन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.79 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 550 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है। इसके अलावा इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग 18 वॉट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 12,499 में ही मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है रियलमी 12X स्मार्टफोन। दोस्तों रियलमी का ये फोन एकदम न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है, जो काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है मीरेडेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर, जो तगड़े लेवल का चिपसेट है। इसके अलावा इस फोन में हीटिंग मैनेज करने के लिए वेपर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसमें ब्राइटनेस 950 निट्स की मिलती है। बैटरी की बात करें तो ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और चार्जिंग इसमें 45 वॉट की मिल जाती है। इसके अलावा ये फोन एयर जेस्चर जैसे फीचर और एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ भी आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 13,499 में मिल जाता है। सो सेकंड लास्ट फोन है वीवो T3X स्मार्टफोन। दोस्तों वीवो का ये फोन भी एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जो काफी अच्छे फीचर्स लेके आता है, और ये फोन इस रेंज में मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड भी है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है क्वालकॉम का पावरफुल चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Zen 1, जो तगड़े लेवल का चिपसेट है, और इसमें आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 1000 निट्स की मिल जाती है, जो आउटडोर में भी काफी अच्छे से विजिबल रहने वाली है। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, और चार्जिंग ये 44 वॉट की लेके आता है। इसके अलावा इस फोन में भी आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 मिल जाता है, जो फन टच OS पर बेस्ड है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 13,499 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। तो दोस्तों अगर आपको कोई पावरफुल फोन लेना हो जो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा हो, तो मैं आपको वीवो T3X को रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप इस रेंज में कोई ऐसा फोन देख रहे हैं जिसमें सारे फीचर्स एक बैलेंस के साथ मिल जाए, तो सैमसंग का ये फोन गैलेक्सी F15 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है मीरेडेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर, जो एक डिसेंट चिपसेट है, और डे टू डे के टास्क इसमें आप आराम से कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा
कैमरा इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिल जाता है। लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण इस फोन में आप मूवीज या कोई भी वीडियो कंटेंट देखते हैं, कलर्स इसमें काफी क्लियर मिलने वाले हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग ये फोन 25W की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 4GB RAM 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 13,000 में मिल जाता है।